I know you do. Yes. ये देखिए कैमरा आ गया आपके पास प्रकाश। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ ये 3 दिन की एग्जीबिशन है, क्या नया अनुभव यहाँ पे? देखिए यहाँ पे जो मुंबई आर्ट फेयर जो है वो पहली बार बनी है। आप देखेंगे तो बहुत सारे अपने भारत देश में बहुत तबके में अच्छे काम करने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, करीबन 80,000 से आसपास होंगे, लेकिन उनको कहीं भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि अपना जो कला है वो दिखाने के लिए लोगों को। और आप देखा जाए तो जो आर्ट गैलरीज है, आर्ट गैलरीज की क्षमता बहुत सीमित है, वो इतने सारे आर्टिस्ट को अपने प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। जैसे कि जहांगीर आर्ट गैलरी जो है वहाँ पे अगर आपको शो करना होगा तो 6 साल तक आपको रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। उसकी वजह से मुझे ये जो बॉम्बे आर्ट फेयर है, वो बॉम्बे आर्ट फेयर एक तरफ से लिबरलाइजेशन फॉर आर्टिस्ट है, मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे आर्टिस्ट इंडिविजुअली अपना खुद स्वयं अपना काम लोगों को दिखा सकता है। गए 2 दिन से देख रहा हूँ तो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, इसका आनंद लुटा रहे, और साथ ही साथ जो आर्ट बायर्स है जो के क्षमता रखते हैं आर्ट लेने की, वो भी आ रहे हैं मुझे लगता है। और दूसरा ऐसा कि यहाँ पे बहुत सारे नए आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने जो अपने पारंपरिक तरीके से काम तो किया है, लेकिन नई खोज, नया कोई विषय लेके काम करना, नई तरीके से काम करना, ये भी बहुत सारा देखने को आ रहा है। यहाँ जो आपने लिख के लगा रखा है उसके बारे में थोड़ा बताइए इससे पहले कि मैं पढ़ूँ। हाँ, वो जो है वो मैं जैसे कि अभी मैं एक आर्ट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसका ये है कि कंप्यूटर की वजह से रोबोट और कंप्यूटर साथ में मिला के, जैसे पहले रोबोट जो था वो खाली मैकेनिकल काम करता था, कोई चीज़ को उठाना या कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना, इस प्रकार के मैकेनिकल काम करता था, लेकिन अभी उसके दिमाग जो है वो दिमाग चलाने लगे, जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य की फीलिंग्स है, जैसे कि वो सोच सकता है, उसी प्रकार से ये नया जो रोबोट है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे उसके भेजे में मानवीय जो संकल्पनाएं हैं वो भी पूरे डाल रही है, उसकी जो भाव भावना है वो भी है, वो लॉजिक का पैटर्न फॉलो कर सकता है। हाँ, तो लॉजिक भी पैटर्न कर सकता है, कुछ सोच सकता है, कुछ खुद एनालाइज कर सकता है, कुछ कोई चीज़ में क्या किस प्रकार से कदम उठाना चाहिए वो भी वो तय कर सकता है। तो एक प्रकार से भगवान ने मनुष्य को बनाया, अभी मनुष्य खुद एक नया जनरेशन बना रहा है, एक यांत्रिक मानव तैयार कर रहा है, इसको तो पूरी फीलिंग है जो सब समझता है। तो मैं इस प्रकार से काम करना चाहता हूँ कि इसका मानव के पूरा समाज पे क्या परिणाम हो सकता है आगे आने वाले, जैसा आज के तारीख में ही बैंकिंग सेक्टर जो है वो पूरा आधे से ज़्यादा काम वो ऑटोमेशन में कर रहे हैं, तो ये जो फीलिंग डाल के जो काम कर रहे हैं रोबोट के साथ, तो एक प्रकार हम लोग एक प्रतिकृति तैयार कर रहे हैं, तो इसका समाज के ऊपर क्या असर होगा वो सोच के हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे साथ में और 3 आर्टिस्ट है, 2 यूरोप में है, 1 भारत में है, तो हम लोग इसके बारे में सोचते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और हमको जो लगता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इसका इम्पैक्ट, वो हम लोग शेयर करके वो विजुअली दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका वो कैनवास के ऊपर ही काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग इंस्टॉलेशन भी बना रहे हैं, और क्या हो सकता है इसका सोच के एक कम से कम 4-5 साल ये काम चलेगा। तो इसका पहले जो हम लोग काम किया है उसका थोड़ा सा काम इधर लगा है, और एक चीज़ मुझे कहने को बहुत, इन्हें 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो आता है, जो नए युवा पीढ़ी के लोग जो आते हैं वो सब देखते हैं और वो सब पढ़ के है, वो सवाल भी पूछते हैं कि भी क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो तो उन्हीं को जीना है, तो उनको इसका क्या इम्पैक्ट होगा, किस प्रकार से सब पूरा रचना बदलेगी, वो जानने की उनको बहुत सारे उत्सुकता है, जानना भी चाहते हैं, वो मुझे बहुत ही आशादायक चित्र मुझे लगा। थैंक यू। तो मैं थोड़ी पेंटिंग दिखा दूँ या और कुछ भी बताना है?
नहीं बस आप आए, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आपसे भी मुलाकात हो गई। आप भी एक वरिष्ठ चित्रकार है, लेखक है, चिंतक है, तो आपको शुभकामनाएं आपके काम के लिए। थैंक यू सर, वेलकम। Thank you.